हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द क्रिप्टो ट्रैकर्स इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि है निर्वाना टोकन के बारे में। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो कि निर्वाना ने स्पॉन्सर किया है। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद है आपको निर्वाना के बारे में समझाना, जो कि एक टोकन है और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और एट द एंड ये आपका कॉल होगा। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपका कॉल होगा कि आप इसमें फर्दर इंटरेस्टेड हो या फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्वाना टोकन के बारे में। और निर्वाना टोकन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें एक लग्जीरियस स्पेस बनाया जा रहा है, यानी जैसे कि मेटावर्स है तो मेटावर्स में एक लग्जीरियस मेटावर्स बनाया जा रहा है जहां पे खाली रिच ब्रांड्स और रिच पीपल के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो NFTs होगी वो भी सुपर कॉस्टली होगी एज एक्सपेक्टेड, बट इन फ्यूचर उनका कोई भी चीजें हो सकती है। तो ये जो है ब्लू एलिक्स के द्वारा, ब्लू एलिक्स इसमें कंपनी ने इसमें फंड किया है और $2 मिलियन से ज्यादा इसमें फंड किया है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी कंपनीज ने पार्टनर्स है, जैसे पॉलीगॉन स्टूडियोज, चेन लिंक, उसके अलावा बहुत सारे। यहाँ पे इनके बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से ब्लू एलिक्स ने इन्वेस्ट किया है इनपे, और मैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे अब ब्लू एलिक्स क्या है, हमने कभी इस इन्वेस्टर के बारे में सुना नहीं है। तो ये कोरियन इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। ये सारे आर्टिकल्स, 10 से ज़्यादा आर्टिकल्स इनके ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और आप उसके बारे में रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके जो एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर में हमारा ह्यूबी ग्लोबल का XMD भी है जो इसमें एडवाइजर है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके थोड़े से प्रोजेक्ट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लग्जीरियस स्पेस क्रिएट कर रहा है, जैसे लग्जीरियस कार्स और लग्जीरियस आपकी अपार्टमेंट्स, उस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपके वो इसका जो वाइट पेपर है वहां पे आपको दिखाऊं तो वहां पे आप इसको एक एक करके समझ सकते हैं, ठीक है। ये लग्जीरियस स्पेस के लिए, यानी ओनली फॉर रिच पीपल्स बाय रिच पीपल, इनका कुछ क्राइटेरिया होगा जो इन फ्यूचर ये डिक्लेयर करेंगे कि इतने लोगों को ही ये लैंड मिलेगा या इतने लोगों को ही इतना मिलेगा, ठीक है। इसमें सिटी एंड क्लब है। इन्होंने एक और फीचर निकाला है जिसमें है कि आप जो है अपना खुद का सिटी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक फीचर है। उसके अलावा इनका खुद का NFT सिस्टम होगा, क्यूरियस एप स्ट्रीट क्लब, जो NFTs होंगी ऑफकोर्स एप की, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इन्होंने निकाली हुई है, NFT ग्रेड मेक वाना, वाना कैट, ठीक है, वाना वॉलेट भी निकालेंगे। और मैंने एक जगह इस पे देखा था कि एक्सचेंज भी ये निकालने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें करने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में इनके व्हाइट लिस्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लग्जीरियस सिस्टम निकाला हुआ है, किस तरीके से ये लग्जरी एक तरीके से जैसे हम हाईफाई मूवीज में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा लग्जीरियस सिस्टम क्रिएटेड होता है फॉर रिच पीपल एंड लोग उसमें रहते हैं, तो उसी तरीके का सिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं और उसी में वो इकोनॉमी बना रहे हैं। मतलब टारगेट इनका रिच पीपल है, बस आप इतना मेन पॉइंट जान लीजिए। ये इनकी सी जो एप स्ट्रीट क्लब है, ये उनका स्ट्रीट क्लब के ये NFTs हैं और ये बहुत जल्दी सेल होने वाली है। उसके बाद मेटा लग्जरी में प्लेन्स, कार्स, इस तरीके की NFTs रहेगी और इस तरीके का सिस्टम रहेगा, सेम जैसे हमारे पास ब्लॉक पैड है, ठीक है, और भी हमारे पास मेटावर्स प्रोजेक्ट्स है जो अभी लाइव चल रहे हैं, उसी तरीके से ये सिस्टम है। बस इसमें क्या होगा, लग्जीरियस होगा। आप देख सकते हो एथर सिटी पर्सनल स्पेशल स्क्वायर एंड पर्सनल स्पेस, ये सब आप खरीद सकते हो, प्राइवेट शॉप्स, लग्जरी स्ट्रीट्स, गेम हाउस, ब्रांड मॉल, क्लब हाउस, पब्लिक स्पेस, सो जितनी लग्जरी हो सकती है वो यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। और इस तरीके से ये जो है अपना NFT सिस्टम और मेटावर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है जानने को और बहुत कुछ है समझने को। यहाँ पे रॉयल गेम्स है, जिस तरीके से हमारे पोकर सिस्टम होता है फॉर रिच पीपल्स ओनली, जो उतना बेट लगा सकते हैं, उनके लिए म्यूजियम्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और अगर आप इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखो तो 98,000 फॉलोअर्स हैं जो कि, और अभी इस पे एक एयर ड्रॉप भी चल रहा है जो कि आप इसमें एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ग्लिम का लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी एकदम स्टार्ट फेज में, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी लॉन्च होगा। और इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स अगर ब्रीफ में जानना है तो यहाँ पे हम दी हुई है, ये आर्टिकल मैंने आपको नीचे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो इसका PDF आप चेक कर लीजिए, यानी इसके व्हाइट लिस्ट में आप चेक कर लीजिए, व्हाइट पेपर में। तो इस तरीके से हमने बात कर ली एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, निर्वाना के बारे में। अब क्या करना है आपको, आप यहां पर आकर अब
इसके बारे में जानो और इसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, स्पेशली डिस्कॉर्ड। अगर इन फ्यूचर में ये कुछ गिव अवेज निकालते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अभी जो जो हम बोले ब्रांड एम्बेसडर, स्पेशली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, वो है अली क्यूली मिर्जा। ठीक है, शायद ही बहुत ही कम लोग इन्हें जानते होंगे। ये सिंगर है और एक्टर है और बिग बॉस 8 में ये फाइनलिस्ट भी थे। 6 मिलियन से ज्यादा इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो मतलब ब्रांड एम्बेसडर भी इन्होंने बना रखा है, मतलब मार्केटिंग की पूरी तैयारी कर रखी है और बहुत जल्दी इनका सिस्टम शुरू होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सचेंज के बारे में। हाँ, तो इसका एक एक्सपेक्टेड है कि शायद मतलब 10-15% चांसेस है कि बायबिट पे लिस्ट हो। ठीक है, शायद में है। ठीक है, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, शायद ये बायबिट पे लिस्ट हो। और बायबिट पे तो आपको ऑलरेडी पता है डब्ल्यू शॉर्ट का प्रोग्राम भी चल रहा है, यानी अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे फंड डिपॉजिट करके उस डब्ल्यू शॉर्ट प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सेम कुकॉइन फ्यूचर्स कंपटीशन की तरह जैसे हमने ज्वाइन किया था। और जो जो हमारी टीम में था उनको $20 के आसपास का रिवॉर्ड मिला था। ठीक है, एटलीस्ट मेरे को तो मिला था, और जिन्होंने हमारे साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी की थी उनको $10 या $5 का रिवॉर्ड मिला था। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। सो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको निर्वाणा टोकन के बारे में बता दिया और ये क्या करना चाहता है वो हमने बात कर लिया और डिस्कस कर लिया। तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप निर्वाणा टोकन के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।